गाइस, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। आप लोग कैसे हो? और तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी वजह से जरा चेहरे पे भी थोड़ी सी हल्की सी सूजन है, फीवर आ गया था, धूप वगैरह लू लग गई थी। अब ठीक है, तो मैंने सोचा फैमिली से बात कर लूँ, है ना। आप लोग ठीक हो? धूप है बहुत ज़्यादा, तो सेफ्टी से रहिए, सुरक्षित रहिए, है ना। और देखो, धूप में अगर आप जा रहे हो तो एक प्याज साथ में ज़रूर रखें, उससे लू नहीं लगती। मैंने नहीं रखा तो इसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई। बोलते हैं कि वो ठंडा रहता प्याज, इसकी वजह से अपने जेब में रखने से लू का कम असर होता है या लगती नहीं है। ये ट्राई करके देखना, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, है ना। ठीक है, चलो शुरुआत अच्छे से करिए दिन की, है ना। और नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर बनता है। देखो खाने में, किचन में क्या क्या बनाया है आज। कुछ ज़्यादा नहीं बनाया मैंने, आज व्रत भी है तो थोड़ा सा ही खाना बनाया है, टमाटो और टी। क्योंकि टमाटो बहुत पसंद है बच्चों को, इसलिए। और उसके बाद गैस सफेद हो रही है, अभी बर्तन भी रखे हुए हैं। आफ्टरनून हो गई है अभी, एक हाथ से मोबाइल पकड़ो तो मोबाइल बहुत ज़्यादा हिलता है, हैं। और बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन हैं, वाटर ज़्यादा पिया करो। मैं तो ये इसमें काम देखा रहता हूँ, इसमें ज़्यादा भर के रख देती हूँ ताकि अच्छा भी रखा है। तांबे की इसमें पानी पियो तो बहुत बोले अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहती हूँ, इसके लिए मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ। और यहाँ बहुत अंधेरा आता है कि चलिए, आज अंधेरा आ रहा है क्योंकि बताऊँ ये दिन पलटते हैं ना, तो कभी उजाला रहता है किचन में, कभी अंधेरा रहता है। ऐसे किसके किसके घर होता है, कमेंट क्यों नहीं करते वो आप लोग देखते हो तो कमेंट करिए अच्छे अच्छे ना। उसके बाद इनको और सूखे से भी थोड़ा अच्छा साफ कर देती हूँ। गैस जब तक साफ नहीं होता ना तो अच्छा नहीं लगता, दूसरी बार खाना बनाने की नहीं इच्छा होती है मेरी। आदत है चाय भी बनाने ना, तब भी गैस क्लीन करने की आदत है। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, उल्टा अंधेरा दिखता है। धूप की वजह से टमाटो और टी बोल रही थी मैं, रोटी को शॉर्टकट में बोली थी। आप बोलेंगे टमाटर में चाय में डाल के पी रही है ना। देखो बाप रे, धूप की वजह से सारी हरियाली कम होती जा रही है। ये देखो पूरा सन्नाटा है हमारी गली में। ये देखो नीम तो हमेशा अच्छा लगा रहता है, नीम का कुछ एक मौसम रहता है जिसकी वजह से देखो पत्ते खिल जाते हैं, पर ये दिन में नीम अच्छा रहता है। ये देखो मैंने नोटिस किया कि देखो, और गाइस ब्लॉग देखा करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करा करो, है ना। और ब्लॉग कैसे लग रहे हैं बताइए आप लोग। और अभी स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, इसकी वजह से चेहरा पूरा उतर गया है,
चलता रहता है, लाइफ का एक पार्ट ही है ना, होना भी चाहिए। ठीक है, बाय बाय। एंडिंग देती हूँ मैं ब्लॉग की, दुआ में याद रखना। चलो।